पढ़ते पढ़ते पुस्तक कोई खुद बन जाता किरदार, पृष्ठों का हर एक एक कोना लेता है आकार। क्यों ना तुम भी शामिल होकर व्यक्त करो आभार, चुपके से दस्तक देता है ये साहित्य संसार। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई, जिसका शीर्षक है भग्नावशेष। न मैं कवि था न लेखक, पर मुझे कविताओं से प्रेम अवश्य था। क्यों था ये नहीं जानता था, परंतु प्रेम था और खूब था। मैं प्रायः सभी कवियों की कविताओं को पढ़ा करता था और जो मुझे अधिक रुचति थी उनकी कटिंग भी अपने पास रख लेता था। एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, बीच में एक जगह मुझे गाड़ी बदलनी पड़ी। वो जंक्शन तो बड़ा था, परंतु स्टेशन पर खाने पीने की सामग्री ठीक नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ा। बाजार में पहुंचते ही मैंने देखा कि जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए थे, जिनमें एक वृहद कवि सम्मेलन की सूचना थी और खास खास कवियों के नाम भी दिए हुए थे। मेरे लिए तो कवि सम्मेलन का ही आकर्षण पर्याप्त था। कवियों की नामावली को देखकर मेरी उत्कंठा और भी अधिक बढ़ गई। दूसरी ट्रेन से जाने का निश्चय कर जब मैं सम्मेलन के स्थान पर पहुंचा तो उस समय कविता पाठ प्रारंभ हो चुका था और उर्दू के एक शायर अपनी जोशीली कविता मजलिस के सामने पेश कर रहे थे। दाद भी इतने जोरों से दी जा रही थी कि कविता का सुनना भी कठिन हो रहा था। खैर, मैं भी एक तरफ चुपचाप बैठ गया, परंतु चेष्टा करने पर भी आंखें स्थिर न रहती थीं। किसी की खोज में वे बार बार विहल सी हो उठती थी। कई कवियों ने अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई। सबके बाद एक श्रीमती जी भी धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होती दिख पड़ी। उनकी चाल ढाल तथा रूपरेखा से ही असीम लज्जा एवं संकोच का यथेष्ट परिचय मिल रहा था। किसी प्रकार उन्होंने भी अपनी कविता शुरू की। अक्षर अक्षर में इतनी वेदना भरी थी कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध से होकर उस कविता को सुन रहे थे। वाह वाह, और खूब खूब की तो बात ही क्या, लोगों ने जैसे सांस लेना तक बंद कर दिया था। मेरा रोम रोम उस कविता का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहा था। एक बार इस मूर्तिमय प्रतिभा का परिचय प्राप्त किए बिना उस नगर से चले जाना अब मेरे लिए असंभव सा हो गया। अतः इस निश्चय के साथ मैंने अपना जाना फिर कुछ समय के लिए टाल दिया। उनका पता लगाकर दूसरे ही दिन लगभग 8 बजे सवेरे मैं उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा और अपना विजिटिंग कार्ड भिजवा दिया। कार्ड पाते ही एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और मैंने उनसे उत्सुकता से पूछा, क्या श्रीमती जी घर पर हैं? जी हाँ, आप बैठिए, आदर प्रदर्शित करते हुए मैंने कहा। कल के सम्मेलन में उनकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, क्या एक साहित्य प्रेमी के नाते मैं उनसे मिल सकता हूँ? एक कुर्सी पर बैठालते हुए वो बोले, वो मेरी लड़की है, मैं अभी बुलवाए देता हूँ। उन्होंने तुरंत नौकर से भीतर सूचना भेजी और उसके कुछ ही क्षण बाद वे बाहर आती हुई दिख पड़ी। परिचय के पश्चात बड़ी देर तक अनेक साहित्यिक विषयों पर उनसे बड़ी ही रुचिकर बातें होती रही। चलने का प्रस्ताव करते ही उन्होंने संध्या समय भोजन के लिए निमंत्रण दे डाला। इसे अस्वीकृत करना भी मेरी शक्ति के बाहर था, अतः दिन भर वहीं उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इन थोड़े से घंटों में ही उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर मैं चकित हो गया। अब तक का मेरा आकर्षण सहसा भक्तियुक्त आदर में परिणत हो गया। भोजन के उपरांत मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी ही पड़ी, परंतु मार्ग भर मैं कुछ ऐसा अनुभव करता रहा जैसे कहीं मेरी कोई वस्तु छूट सी गई है। घर लौटकर मैंने उन्हें 2-1 पत्र लिखे, पर उत्तर एक का भी न मिला। विवश था, चुप ही रहना पड़ा, किंतु उनकी कविताओं की खोज निरंतर ही किया करता था। इधर कई महीनों से उनकी कविता भी देखने को नहीं मिली। न जाने क्यों एक अज्ञात आशंका रह रहकर मुझे भयभीत बनाने लगी। अंत में एक दिन उनसे मिलने की ठान कर घर से चल ही तो पड़ा। चलने के साथ ही बाई आंख फड़की और बिल्ली रास्ता काट गई। इन अपशकुनों ने मेरी अनिश्चित आशंका को जैसे किसी भावी अमंगल का निश्चित रूप सा दे दिया। वहां पहुंचकर देखा मकान में ताला पड़ा है, हृदय धक से हो गया। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि कई महीने हुए उनके पिता का देहांत हो गया। उनके मामा आकर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। बहुत खोज करने पर भी मैं उनके मामा के घर का पता ना पा सका। इस प्रकार वो एक
हवा के झोंके की तरह मेरे जीवन में आई और चली भी गई। मैं उनके विषय में कुछ भी न जान सका। दस वर्ष बाद एक दिन फिर मैं कहीं सफर में जा रहा था। बीच में एक बड़े जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी। वहां पर दो लाइनों के लिए ट्रेन बदलती थी। मैं अपने कंपार्टमेंट से उतरा। ठीक मेरे पास के ही पर थर्ड क्लास के एक डिब्बे से एक स्त्री उतरी। उसका चेहरा सुंदर पर मुरझाया हुआ सा था। आंखें बड़ी बड़ी किंतु दृष्टि बड़ी ही कातर थी। कपड़े साधारण और कुछ मैले से थे। गोद में एक साल भर का बच्चा था। आसपास और भी दो तीन बच्चे थे। मैंने ध्यान से देखा, ये वे ही थी। मैं झपट कर उनके पास गया। अचानक मुंह से निकल गया, आप यहां इस वेश में? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बोली, क्या आप हैं? मैंने कहा, हाँ हूं तो मैं ही, पर आपने कविता लिखना क्यों छोड़ दिया? अब उनके संयम का बांध टूट गया। उनकी आंखों से न जाने कितने बड़े बड़े मोती बिखर गए। उन्होंने रूंधे हुए कंठ से कहा, लिखने पढ़ने की बात अब आप मुझसे कुछ न पूछें। इतने ही में एक तरफ से एक अधेड़ पुरुष आए और आते ही शायद उनके पास मेरा खड़ा रहना उन सज्जन को न सुहाया, इसलिए उन्हें बहुत बुरी तरह से झिड़क कर बोले, यहां खड़ी खड़ी बातें कर रही हो, कुछ ख्याल भी है? वे बोली, मेरे पिताजी के। वो अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि वे महापुरुष कड़क उठे, चलो भी परिचय फिर हो लेगा। उन्होंने मेरी तरफ एक बड़ी ही बेधक दृष्टि से देखा। दृष्टि में न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता और कितनी कातरता भरी थी। वे अपने पति के पीछे पीछे चली गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं सोचता हूं कि ये वही है या उनका भग्नावशेष। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानियाँ सुनने में अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को लाइक और शेयर भी करते चलिए ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। चलते चलते बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए शुभकामनाएं।